दोस्तों अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आपका जो रील्स है वो कभी भी वायरल नहीं होगा। क्या बात करते हैं यार? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो रील्स क्रिएट करते हैं, रील्स बनाते हैं और ये उम्मीद लगा के बैठे हैं भाई हमारा जो रील्स है वो वायरल हो जाएगा। हालांकि रील्स वायरल नहीं होने के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप कितना भी अच्छा रील्स क्यों ना बना लें, रील्स जो है वो एकदम इन्फॉर्मेटिव रहेगा और वो भी एंटरटेनिंग के साथ में, मतलब काफी अमेजिंग वीडियो रहेगा, अमेजिंग रील रहेगा, काफी एंगेजिंग रहेगा, उसके बाद भी आपका जो रील है वो वायरल नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं? आप अपना उसमें 100% दे रहे हैं, मतलब आप पूरा फोकस के साथ बना रहे हैं, मतलब आप खुद को झोंक दे रहे हैं सिर्फ एक मिनट के रील बनाने में, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर ऐसा क्या रीजन है जो रील्स वायरल नहीं हो रहे हैं? बहुत लोग के हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के अब रील्स वायरल नहीं हो रहे हैं और होंगे भी नहीं अगर वो ये गलती हमेशा करते रहे तो। जी हाँ दोस्तों, आप कितना भी दिमाग लगा लें, जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं, जितने भी ट्रिक्स हैं, जितने भी टिप्स हैं, वो सारे अप्लाई कर लें, उसके बाद भी आपका जो रील्स है वो वायरल नहीं होगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? वो रीजन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो इसके पीछे जो रीजन है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे इंस्टाग्राम से रिलेटेड नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि रील्स वायरल नहीं होने के पीछे एक रीजन ये भी है कि जो भी रील क्रिएट करते हैं और जब अपलोड करते हैं और वहां पे जो हैशटैग्स यूज करते हैं उसमें गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है कि इंस्टाग्राम ने बहुत सारे हैशटैग्स को बैन कर दिया है और लोग जो है वही बैन हैशटैग्स यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो रील है वो वायरल नहीं हो पाता है और जो भी क्रिएटर है वो खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इनसाइट्स में जाके चेक कर रहे हैं, तो कोई भी रीजन समझ में नहीं आता है क्योंकि वहां पे ये सब चीजें मेंशन नहीं है। तो ऐसे में आप जो है वो परेशान हो जाएंगे, भाई आइडेंटिफाई कैसे करें कि भाई कौन से हैशटैग्स है वो बैन है। तो इसके लिए मैं हूं ना, तो फिर टेंशन काहे को, चलिए बताता हूं आपको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हैशटैग्स आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई कौन से हैशटैग जो है वो बैन है, तो इसके लिए आप गूगल में जाए, गूगल के सर्च बार में टाइप करें मेटा हैशटैग्स, उसके बाद ये जो डब्बा दिख रहा है सर्च बॉक्स, इसमें क्या डालना है, इसमें मैं आपको बता रहा हूं। इंस्टाग्राम में जो आपने हैशटैग्स यूज किया हुआ है, मतलब डाला हुआ है, अपलोड पूरा नहीं करना है, मतलब डाल के वैसे ही रख देना है, यानी पब्लिश नहीं करना है, पब्लिश करने से पहले जो भी हैशटैग्स है उसको कॉपी करके एज इट इज वहां पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद वहां पे चेक पे क्लिक करना है। चेक करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी हैशटैग्स है जो बैन होंगे वो नीचे शो होंगे, अगर बैन नहीं होंगे तो वहां पे शो नहीं होंगे। अगर आप बैन हैशटैग्स को यूज करेंगे तो आपके जो रील्स है वो कभी भी वायरल नहीं होंगे। बहरहाल अगर आप अपने रील्स को वायरल करना चाहते हैं, 42 मिलियन व्यूज, 3 मिलियन व्यूज या कितना भी चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है जो कि ये है। अगर आपके रील्स वायरल नहीं हो रहे हैं तो पहले ये वीडियो देखें और इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है इसमें 8 तरीका बताया मैंने, आप उन तरीकों को जाके फॉलो करें, फिर आपका जो रील्स है वो 110% वायरल हो जाएगा, 200% वायरल हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो जाके देखें इस वीडियो को। अगर आप इंस्टाग्राम से रिलेटेड और भी वीडियो चाहते हैं या फिर हो सकता है कि आप जो जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक पे मैंने पहले ही बनाया हुआ है, तो आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर इसके बाद भी अलग टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना तो हरगिज़ मत भूलना, वरना नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। खैर मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।